आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक संपन्न। आगामी त्योहार गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, ईद मिलादुन्नबी और अनंत चतुर्दशी शांतिपूर्ण मनाए जाने हेतु ली गई कस्बा के गणमान्य नागरिकों की बैठक। बैठक के दौरान शांतिपूर्ण त्योहार मनाने हेतु अपील की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला खरगोन, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण जिला खरगोन, श्रीमती एसडीओपी महोदया अनुभाग बड़वाह के निर्देशों के पालन में आगामी त्योहार गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, ईद मिलादुन्नबी और अनंत चतुर्दशी त्योहारों को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक स्थिति निर्मित न हो, इस संबंध में आज दिनांक 4 सितंबर 2024 को थाना करही परिसर में निरीक्षक राजेंद्र वर्मन, थाना प्रभारी करही के द्वारा कस्बा करही के गणमान्य नागरिकों की एक संयुक्त शांति समिति की मीटिंग आयोजित की, जिसमें कस्बे के सभी गणमान्य नागरिक पत्रकार शामिल हुए। मीटिंग के दौरान सभी गणमान्य नागरिकों से आगामी सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के संबंध में प्रमुख बिंदु गणेश चतुर्थी के दौरान पंडालों में प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, वहां पर रात्रि के दौरान समिति के सदस्य उपस्थित रहेंगे, पंडालों में बिजली की व्यवस्था हेतु एमपीबी विभाग से विधिवत अनुमति प्राप्त करें, प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान सभी नियमों का पालन करें, सभी आयोजनों में डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा, रोड पर प्रतिमाएं स्थापित नहीं करेंगे, यातायात की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखेंगे आदि पर चर्चा की गई, जिस पर सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकों द्वारा त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने पर सहमति बनी। साथ ही किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना होने या किसी प्रकार की संवेदनशील स्थिति निर्मित होने की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी या पुलिस से संपर्क करने को बताया। नगर परिषद अध्यक्ष नंदकिशोर खेड़ेकर, उपाध्यक्ष महेश एवं नगर व्यापारी संघ अध्यक्ष गोविंद पाटीदार आसवानी, डॉक्टर अश्विन बिल्लोरे, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग खरगोन किशोर भगवते, ब्लॉक अध्यक्ष अनुसूचित जाति कड़वा कड़ोले आजम सैयद, पीयूष तिवारी, पार्षद ललित पाटीदार, पत्रकार किशोर राठौड़, राजा राठौड़, एडवोकेट अजय वर्मा, पार्षद पंकज चौकड़े और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। करही से किशोर भगवते की रिपोर्ट।